प्रदेशवासी जेब खाली करने के लिए रहिए तैयार। जी हां, अप्रैल में बिजली दे सकती है जोर का झटका। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों, नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि इसके लिए बिजली कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश में बिजली की दरों के बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग पहुंची है। अगर सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा हो तो प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ही 745 करोड़ रुपए का घाटा रिकवर करना चाहती है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में कंपनी ने हो रहे घाटों का हिसाब दिया। याचिका में कहा गया कि चालू सत्र में कंपनी ने 3642 करोड़ रुपए का लाभ अनुमान लगाया, लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों में हुए 4388 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कंपनी करना चाहती है। यह घाटा पाटने के लिए 745 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की जरूरत होगी, जिसके चलते प्रदेश में बिजली का बिल बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजनाओं के लिए चाहिए पैसे। याचिका में कहा गया है कि विद्युत उत्पादन संधारण और वितरण कंपनियों से सिस्टम को अपग्रेड करने से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम होना है, उसके लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। ऐसे में हो सकता है कि कंपनी के लाभांश का अधिकांश हिस्सा इन योजनाओं में खप जाए। ऐसे में बिजली के सामान्य खर्च का भार उपभोक्ताओं पर ही आएगा, जिससे बिजली की बिल बढ़ेगा। इसकी सुनवाई 24 और 25 फरवरी को होगी। तो इस बढ़ते बिजली बिल को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।